हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SSC कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज से हम वोकैब का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह सीरीज का पहला पार्ट है। दोस्तों, इसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज और एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ कवर करेंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। दोस्तों, पहला वर्ड दिया है डाउंटलेस। दोस्तों, डाउंटलेस, डाउंटलेस का मतलब क्या होता है? दोस्तों, डाउंटलेस का मतलब होता है समवन हु इज़ ब्रेव, ऐसा व्यक्ति जो कि बहादुर हो, जो कि निडर हो। समवन हु इज़ नॉट कावर्ड, जो कि डरा हुआ ना हो, जो कि बहादुर इंसान हो। तो कौन सा ब्रेव वाला ऑप्शन है? नंबर सी। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, एक ऑप्शन दिया है कावर्ड, कावर्ड वाला दिया है। कावर्ड क्या है दोस्तों? कावर्ड किसे कहते हैं? कावर्ड जो कि डरपोक हो, डरपोक को कावर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डरपोक को क्या कहते हैं? कावर्ड। एक ऑप्शन दिया है बोजो, एक ऑप्शन दिया है बोजो। दोस्तों, बोजो, बोजो मतलब क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मूर्ख, फुलिस। इसका मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? फुलिस हो जाएगा। बोजो का सिनोनिम दोस्तों क्या हो जाएगा? फुलिस। ठीक है दोस्तों, फुलिस हो जाएगा इसका सिनोनिम। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन से हमने इतने सारे फैक्ट जान लिए, इतने सारे वर्ड वर्ड मीनिंग हमने जान लिए। दोस्तों, अगला दिया है एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एब्जर्ड समथिंग विच इज़ वेरी रफ़। दोस्तों, ऐसा चीज़ जो कि रफ़ हो, काफ़ी रफ़ हो, भद्दा हो, विच इज़ कॉल्ड रफ। दोस्तों, इससे हम क्या कह सकते हैं? रफ, रफ को क्या कहते हैं? भद्दा। तो इसका मीनिंग हो प्री पोस्टिरस का मीनिंग भी होता है दोस्तों भद्दा। दोस्तों, प्री पोस्टिरस का मीनिंग भी क्या होता है? भद्दा। तो एब्जर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? भद्दा, भद्दे का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्री पोस्टिरस, जिसका मतलब भी होता है भद्दा। और दोस्तों, अगला एक ऑप्शन दिया है चौफर। चौफर दोस्तों क्या होता है? जो व्यक्ति किसी की कार को चलाता है, जैसे कार ड्राइवर कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट कार ड्राइवर। अगला वर्ड मीनिंग दिया है इरिस्पेक्टिव। तो दोस्तों, इरिस्पेक्टिव का मतलब होता है बेपरवाह। दोस्तों, बेपरवाह, बेपरवाह जिसे हम कहते हैं, इरिस्पेक्टिव को बेपरवाह कहते हैं। एक और दिया है दोस्तों इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज़ लाइक इंटरफेयर, मतलब हस्तक्षेप करना। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? हस्तक्षेप करना। ठीक है दोस्तों, एक वर्ड मीनिंग से हमने इतने सारे वर्ड मीनिंग पता कर लिए दोस्तों। ठीक है, आप इसे कॉपी पर नोट डाउन करते रहें, जिससे आपको फ़ायदा होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। चौफर का मतलब होता है कार ड्राइवर, प्रीपोस्टरस इसका सिनोनिम में भद्दा होता है, इरिस्पेक्टिव का मतलब होता है बेपरवाह, और इंटरफ्रेंस का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वर्ड मीनिंग पर देखते हैं क्या है, कौन सा वर्ड मीनिंग है। दोस्तों, अगला वाला है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, इसे हॉनेस्टी नहीं पढ़ा जाता, इसे ऑनेस्टी पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ईमानदारी। इसका मतलब क्या होता है? ईमानदारी। और ईमानदारी का कौन सा मीनिंग है? इंटीग्रिटी। दोस्तों, इंटीग्रिटी ईमानदारी को कहते हैं। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट। और एक दिया है कोरिजेंडम। कोरिजेंडम क्या होता है दोस्तों? अभी 2019 में जम्मू कश्मीर के अंतर्गत अंतर जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को हटाया गया था दोस्तों। इसका मतलब यह था कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसे हटाया गया था संविधान में संशोधन कर कर। तो कोरिजेंडम का मतलब क्या होता है दोस्तों? संशोधन करना। इसे आप याद रख सकते हैं। एस्पिरेशन दोस्तों, एस्पायरेशन, इसे क्या कहते हैं? डिजायर। डिजायर मतलब अभिलाषा दोस्तों, लालच कर सकते हैं, इसे अभिलाषा कर सकते हैं। एस्पायरेशन का मतलब होता है। एक दिया है हॉटी। हॉटी इस हॉटी साउंड्स लाइक हॉट, हट हट मतलब जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो हट हट करता है, मतलब घमंडी लोग ही हट 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 करते हैं ना दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? घमंडी इंसान। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले वाले वर्ड मीनिंग पर। तो इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रिटी हो जाएगा। ऑनेस्टी का क्या हो जाएगा? इंटीग्रिटी। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। अगला वर्ड मीनिंग दिया है दोस्तों, सिनोनिम इसका पता करना है, ब्रूस दिया है दोस्तों। ब्रूस, इसका मतलब क्या होता है? ब्रूस का मतलब क्या होता है? ब्रूस आप बोलेंगे तो इट साउंड्स लाइक बुरा। ब्रू ब्रूस क्या कर रहा है? मतलब बुरा, बुरा की तरह साउंड कर रहा है। तो बुरा तब होगा जब आपको घाव लगेगा, जब आपको घाव लगेगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन
वुंड जो है वो सही है दोस्तों। जब आपको घाव लगेगा तभी आपके साथ बुरा होगा ना, तो ब्रूस, ब्रूस का क्या अर्थ होता है, घाव। ठीक है दोस्तों, एक दिया है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, क्लियर समथिंग विच इज़ वेरी एविडेंट। ठीक है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, क्लियर होता है। तो ट्रांसपेरेंसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसका मीनिंग क्या होता है, क्लियर होता है, साफ होता है। एक दिया है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, भेदभाव होता है। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों गलती से मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों, अल्टीरियर रहेगा। अल्टीरियर दोस्तों यहाँ पे UL लिख लीजिएगा, अल्टीरियर रहेगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, छिपा हुआ, समथिंग विच इज़ हिडन, जो कि छिपा हुआ होता है उससे कहते हैं अल्टीरियर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या है, अगला वर्ड मीनिंग है स्लैकनेस। स्लैकनेस का क्या होता है अर्थ, स्लैकनेस का अर्थ होता है ढीला, ढीला होता है दोस्तों। स्लैकनेस का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, ढीला। ठीक है, तो ढीला कौन सा वाला ऑप्शन है, लैक्सिटी का मतलब क्या होता है, ढीला होता है दोस्तों। लैक्सिटी का मतलब क्या होता है, ढीला। और यहाँ पे दिया है रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है स्मृति चिन्ह। ठीक है दोस्तों, रेप्लिका का मतलब क्या होता है, स्मृति चिन्ह। और एक ऑप्शन दिया है दोस्तों बिगड़। बिगड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिगड़ का मतलब होता है बांधना, किसी को टाई करना, बांधना होता है। ठीक है दोस्तों, बिगड़ का मतलब क्या होता है, बांधना। और ओवरच्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओवरच्योर का मतलब क्या होता है, ओवरच्योर का मतलब होता है प्रपोजल, प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, प्रपोजल, प्रस्ताव इसे हम कह सकते हैं, प्रपोजल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, लैक्सिटी। लैक्सिटी का मतलब क्या होता है, ढीला। और स्लैकनेस का मतलब क्या होता है, ढीला। ठीक है दोस्तों, जल्दी से हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। तो डॉन्टलेस का क्या होता है, नीडर। और यह कौन सा ऑप्शन सही है, बोजो। बोजो वाला ऑप्शन सही है, ब्रे वाला ऑप्शन सही है। बोजो मतलब होता है मूर्ख। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है, मूर्ख होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका ब्रेव होगा। ठीक, डॉन्टलेस का नीडर होता है, ब्रेव होगा, इसका ऑप्शन सही। ठीक है, एक है, अब अगला वाला है, अगला वाला था एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, भद्दा होता है। और प्रीपोस्टीरियस का मतलब मैंने बताया था, भद्दा होता है दोस्तों। तो प्रीपोस्टीरियस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसे आप पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कर ले अपने कॉपी बुक में, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगला वाला क्या था, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का क्या बताया था मैंने, इंटीग्रिटी। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रिटी बताया था। और अगला वाला क्या है, अगला वाला दोस्तों है ब्रूस। ब्रूस है दोस्तों, ब्रूस का क्या बताया था मैंने, जब आपको घाव लगेगा तभी आपके साथ बुरा होगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, वुंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला वाला क्या है दोस्तों, अगला वाला है स्लैकनेस। स्लैकनेस का मतलब क्या होता है, ढीला। और मैंने इसका ऑप्शन बताया था, लैक्सिटी बताया था। ठीक है दोस्तों, रेप्लिका का मतलब स्मृति चिन्ह, ओवरच्योर का मतलब प्रस्ताव, और बिगड़ का मतलब बांधना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेस्ट वर्ड मीनिंग्स थे, सिनोनिम। अगले वाले पार्ट में हम एंटोनिम और सारी मिक्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, इडियम वन वर्सेस थ्री क्वेश्चन, इडियम फ्रेज, और इन सबको हम ट्रिक्स याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अपने ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही।